हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पोको M3 एंड M3 प्रो के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टैक्ट सेटिंग, कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो किस प्रकार से आप कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो इस वीडियो पर जानेंगे। एंड उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन की देखिए, यहाँ पर फोन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन में चले जाइएगा, कॉल सेटअप पे। एंड यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आप सिंपली टैप कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो उस पर आप चले जाइएगा देखिए। एंड यहाँ पे देखिए सेटिंग के जस्ट ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन हमें मिल चुका है, तो उस पर आप सिंपली टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से देखिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं स्टोरेज में, देखिए आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं स्टोरेज में। देखिए इस प्रकार से, किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ से देखिए आपका अकाउंट मिल जाता है। एंड यहाँ पे गूगल आईडी मिल जाती है, देखिए मेरा निकनेम मैंने डाल दिया यहाँ पे आशुदर्शन भगत के नाम से, देखिए जीमेल है, तो यहाँ से मैंने बना चुका हूँ यहाँ से निकनेम जो है मेरा। एंड यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से ईमेल या फिर एक यहाँ पे एक आपका सिम नंबर डाल देना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर, MI अकाउंट यहाँ पे जो भी है आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप डाल दीजिएगा। या फिर इंपोर्ट सिम कार्ड टू, तो सिम कार्ड टू में भी आप डाल सकते हैं। इंपोर्ट टू स्टोरेज, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, देखिए एलो कर सकते हैं इस प्रकार से एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, तो यहाँ से आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड, उसी प्रकार से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे शेयर कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है आपको, तो यहाँ से आप शेयर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा टॉपिक कॉन्टैक्ट सेटिंग, कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।